है गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि वीडियो को वायरल करने के लिए आपको थंबनेल बहुत ही डिपेंड करता है। तो थंबनेल अगर आपका क्वालिटी अच्छा होगा, आपका थंबनेल अच्छा होगा, तो तभी आपके वीडियो पर लोग क्लिक करेंगे और आपको वीडियो में लाखों लाखों व्यूज भर के आएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े वाले आगे ऐसे ऐसे कपड़े टंगे रहते हैं जिसको आप देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं कि मेरे को यही कपड़ा लेना है, अरे भाई ये कपड़ा बहुत अच्छा है। वैसे ही आपको वीडियो वायरल करने के लिए आपको थंबनेल अच्छा बनाना ही होता है, जिससे कि लोग आपके वीडियो पर जैसे ही आते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और जब लोग वीडियो पर आपको क्लिक करेंगे तो व्यूज एंड सब्सक्राइब भर भर कर आएंगे। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप थंबनेल कैसे अच्छे से अच्छे बना सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखना एंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर उसको प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल कॉम स्क्रीन पर और आपको सभी को बारीकी तरफ से बताता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो थंबनेल बनाकर। चलिए चलते हैं अपने पिक्सल। सो गाइज, आपको थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको डिलीट करना होगा, जो टेक्स्ट को यहाँ पर आपको डिलीट वाला आइकन में क्लिक करना है एंड ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोने की साइड में ऊपर थ्री डॉट का आइकन मिल जाएगा। उसके बाद आपको इमेज पर जाना है एंड कस्टम पर क्लिक कर आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको फोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राइडनेस पर आना है एंड आने के बाद अपने हिसाब से एक कॉलर बना लेना है। मैंने कुछ इस टाइप से बना लिया। उसके बाद आपको बनाने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाला आइकन पे नीचे के साइड में क्लिक करना है एंड आपको एक शेप्स ले लेना है। फटाफट मैं यहाँ पर शेप्स ले लेता हूँ। तो गाइज, मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पर शेप्स ले लिया और मैं इसको यहाँ पर टिक पर सही पर करके यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर दिया। उसके बाद मैं इसको आपको गाइज रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट रोटेट कर लेता हूँ। तो आपको गाइज इसको 3 रोटेट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर रोटेट 3 हो गया और कुछ आपको इस प्रकार से इसको सेव कर देना है। करने के बाद आपको सही वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड फिर से 3 डॉट के आइकन के नीचे क्लिक करना है और इसको लॉक कर देना है। करने के बाद गाइज, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है, फिर से पेंसिल वाले पर कुछ लिख लेना है। मानी यानी कि आप जिस टाइप का वीडियो कैटेगरी से बनाते हैं आप वो अपना टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैं बनाता हूँ मेरे जैसा थंबनेल कैसे बनाए, मेरे जैसा थंबनेल। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आने के बाद आपको माय फंड पर आना है गाइस। आपको लिंक अगर मेरा थ्रू डाउनलोड करना चाहते तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फंड का, या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी यहाँ पर मांग सकते हैं मेरे से। तो आपको यहाँ पर खान बोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है या अपने हिसाब से भी कोई सा भी फंड अपना सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्क्रॉल पीछे कर जाने के बाद आपको एक कॉलर ले लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर ग्राइंडर से एक यहाँ पर मैंने कॉलर बना लिया हूँ। उसके बाद मैं इसे कुछ इस टाइप से बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको भी थोड़ा रोटेट 3 कर लेता हूँ। आप भी अपना रोटेट 3 कर लेना गाइस। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रोटेट 3 कर लिया और फिर इसे कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ एंड टेक्स्ट पर जाता हूँ और इस पर लिख लेता हूँ कैसे बनाए। गाइज, आप भी लिख लेना। इतना लिखने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फिर से आपको यहाँ पर फंड वाले ऑप्शन पर जाना है और उसी फंड को खान बोल्ड का फिर से ले लेना है। लेने के बाद कुछ इसका साइज बढ़ा लेना है एंड कलर पर जाना है। अपने हिसाब से जो भी आपने कलर बनाया होगा वो सेट कर लीजिए गाइज। करने के बाद मैं इसको भी फिर से गाइज आपको रोटेट 3 करना होगा, क्योंकि आपने शेप्स को भी रोटेट 3 किया था। तो कुछ इस टाइप से रोटेट 3 करने के बाद यहाँ पर मेरा यहाँ पर देख सकते हो गाइज कुछ इस टाइप से हो गया। होने के बाद थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेना है गाइज और आपको यहाँ से इसका थोड़ा सा शेप्स का जो है साइज नीचे के साइड में कर बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है एंड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको साइज बढ़ा देना है एंड इसका भी थोड़ा सा साइज बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको कुछ इतना प्रकार से यहाँ पर हो गया गाइज। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी पर जाना है एंड जाने के बाद आपने जो भी एक शेप यानी कि जो PNG डाउनलोड किया था वो डाउनलोड कर लेना है, या आपको मेरे इस सारा मटेरियल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइज, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ये वाला जो है
एट्रैक्टिव ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी रूट्रेट 3 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सारे शेप्स को रूट्रेट 3 किया था। तो कुछ इस टाइप से मैंने रूट्रेट 3 कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अपने हिसाब से अपना भी सेट कर लेना गाइज। ये सारा मटेरियल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कलर वाले ऑप्शन पे, इसको इनेबल करता हूँ और जो मैंने इस प्रकार से लिया हूँ उसी को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से बनकर तैयार हो गया। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड टेक्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जो कैटेगरी का वीडियो बना रहे हो, मेरे जैसा बना रहे हो तो मेरे जैसा लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ, और इसका जो मैं यहाँ पर आता हूँ फॉन्ट और इसका चेंज कर देता हूँ फॉन्ट। तो यहाँ पर मैंने भी इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कुछ सेट कर लिया हूँ। उसके बाद फटाफट लिख लेता हूँ सिर्फ, लिख लिया हूँ। उसके बाद 2 मिनट लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गाइज दो लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर मिनट लिख लिया हूँ। और लिखने के बाद यहाँ पर कुछ आता हूँ इसको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर ये वाले फॉन्ट को यूज़ करता हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि देखने में कुछ अच्छा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया हूँ गाइज, अपने हिसाब से भी अपना कर लेना। एंड यहाँ पर कॉलर में आता हूँ और इसको येलो कर देता हूँ। तो गाइज कुछ इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हो कि ये बनकर हमारा रेडी हो गया। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको सेट कर लिया हूँ। अपने हिसाब से सेट कर देना है। एंड करने के बाद यहाँ पर उसके बाद लिखना, यहाँ पर मेरे को सिर्फ लिखना है 2 मिनट, सिर्फ मेरे को यहाँ पर मैं लिखना है। मैं यहाँ पर फटाफट आता हूँ एंड मैं लिख लेता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इसका जाता हूँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, इसको फॉन्ट में जाकर इसको फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया हूँ। उसके बाद अपने हिसाब से इसको यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से इसका पोजीशन गाइज आपको दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले फिर से आइकन पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी पे जाना है। एंड आपको एक पिक्सल ऐप का जो है फोटो डाउनलोड कर लेना है, या आपका इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मेरे से मांग सकते हो। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। एंड करने के बाद सॉरी गाइज, आपको इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड सबको यहाँ पर लॉक कर देना ताकि ये कोई सा भी हिले नहीं। करने के बाद गाइज आपको यहाँ से इसको हटा देना है एंड इसका थोड़ा सा साइज आपको बढ़ा लेना है। एंड आपको थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इसको जाकर फिर से शैडो पे इनेबल कर आपको येलो में इसको देकर इसका जो रेड ब्लू और रेड होता है उसको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड एट्रैक्टिव देखने के लिए यहाँ पर आपको 2 थंबनेल को यहाँ पर ऐड कर लेना है जो कि देखने में शानदार लगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर 2 थंबनेल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया हूँ एंड यहाँ पर 200 यहाँ गाइज मैं यहाँ पर थंबनेल ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर एट्रैक्टिव देखने में लगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको मैं रूट्रेट कर देता हूँ गाइज, 3 रूट्रेट कर देता हूँ ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड रूट्रेट पर क्लिक करता हूँ और इसको प्लस में 3 करता हूँ ताकि ये ऊपर की साइड में उठे। और इसको कुछ इस टाइप से सेट कर देता हूँ एंड इसको मैं फटाफट यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पर फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको भी मैं इसको रूट्रेट में प्लस माइनस करूँगा या ताकि ये ऊपर की साइड में उठे ये भी। तो कुछ इस टाइप से हो गया गाइज। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड मैं यहाँ पर एक आपको इमेज ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर काफ़ी देखने में अच्छा लगे। तो मैं ये वाले इमेज को लेता हूँ एंड लेने के बाद इसको उलट देता हूँ एंड उलटने के बाद इसको कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ ताकि ये कि देखने में अच्छा लगे। तो गाइज देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक इमेज ले लिया हूँ एंड इसको सेट कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। एंड करने के बाद यहाँ पर इसको फिर से आता हूँ ये वाले ऑप्शन में। इसके बाद स्टॉक पे क्लिक करना है गाइज, उसके बाद आपको शैडो पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। तो कुछ इस टाइप से देखने में लगेगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ इमेज ले लेने जो कि आपको देखने में भी अच्छे लगे। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब का 2 यहाँ पर जो है फ़ोटो ले लेता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
एंड छोटा करने के बाद गाइज आपको भी इसको कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना है। एंड फटाफट मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसका थोड़ा सा जो है साइज बढ़ा लेता हूँ और कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से स्टॉक पे जाना है एंड उसके बाद इसको भी आपको शेडो पर जाकर इसे इनेबल कर देना है ताकि देखने में काफ़ी एट्रेक्टिव लगे। तो कुछ इतना टाइप से हो गया। उसके बाद मैं गाइज यहाँ पर आपको इस पर वाले थ्री आइकन पर क्लिक करना है एंड लॉक कर देना ताकि ये हिले डुले नहीं। करने के बाद आपको यहाँ पर 2023 या आप अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा गाइज। ओके पर क्लिक करता हूँ एंड फिर से जाता हूँ मैं ए वाले ऑप्शन पर, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर गया, फिर फॉन्ट इसको चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के बाद गाइज आपको इसको भी कलर में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर कलर पे आता हूँ एंड कलर पे आने के बाद इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ और इसका भी रोटेट मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से सेट कर देता हूँ। एंड करने के बाद कुछ इस टाइप से सेट कर देता हूँ। एंड करने के बाद गाइज आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। आपका इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ये वाला मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया और इसका कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आना है एंड ग्राइंडनेस पर लेने आने के बाद जो आप बैकग्राउंड लिए होंगे पेज उस टाइप से आपको यहाँ पर सेट कर देना है। एंड करने के बाद गाइज आप देख सकते हो कि कितना एट्रैक्टिव लगने लगा, यानी कि अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं फ्रॉम गैलरी पे आता हूँ एंड मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो का PNG बनाया। उसके बाद मैं इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से सेट करके उसके बाद स्टॉक पे जाता हूँ एंड इसे इनेबल कर देता हूँ और इसका जो है थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। तो गाइज इस टाइप से कुछ आप अपना थंबनेल बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को पास कर देना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।